जय हिंद साथियों, प्रहरी मुंबई न्यूज़ में जावेद शेख और इस वक्त हमारे साथ मुंबई कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन मौजूद है। इस वक्त दो चरण का चुनाव हो चुका है, तीसरा चरण होने वाला है, इस सिलसिले में जानना चाहेंगे। सर, दो चरण कब तक चुनाव हो चुका है, तीसरा होने वाला है, इसको लेकर क्या तैयारियाँ हैं? नहीं, दोनों चरण के चुनाव हो गए हैं, उसमें तैयारियों का मुद्दा नहीं। अब तो हम तीसरे चरण की तैयारियों के लिए आगे जा रहे हैं और दोनों चरण में हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि हमारा चुनाव बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है। खास करके उत्तर प्रदेश में हम जो सेकंड राउंड में गए हैं उसमें हम बहुत अच्छा गेन करेंगे और काफ़ी अच्छी सीटें हमको मिलेंगी। और पहले वाले चुनाव में तो पूरे देश की मीडिया ने ही दिखा दिया कि बीजेपी जो है फिसड्डी हो रही है, तो इससे लगता है कि हमें दोनों चुनाव में और जो हमारी सीटें जहां थी, क्योंकि पहले चुनाव में हमारी सीटें ज़्यादा थी जहां पहले हम सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार हमारे लिए खुशी की बात है कि अच्छे तरीके से हमारे लोगों ने सपोर्ट किया है और इंडिया एलाई जो हमारे साथी हैं सब बिल्कुल खुश हैं और बहुत अच्छे तरीके से जनता हमको सपोर्ट कर रही है। सर, जिस तरह कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है, तो कांग्रेस का घोषणा पत्र एक है या दो है, या कुछ अंदर है या कुछ बाहर है, इस पर जरा बताना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में वादा किया है वो कंप्लीट करेगी, क्योंकि कांग्रेस जो बातें करती है या राहुल गांधी, चूँकि इस पूरे उस पर जो उन्होंने अपना बनाया है मैनिफेस्टो, उन्होंने पूरी जनता के बीच जाकर पूरा लोगों के विचार को कलेक्ट किया है, उसके बाद उन्होंने बनाया। जिस तरह की आवश्यकता देश के लोगों को है, राहुल जी ने उसी तरह की तैयारी की है, क्योंकि उन्होंने दो बड़ी यात्राएं 4600 किलोमीटर 6700 किलोमीटर तकरीबन 12-13 हज़ार किलोमीटर की यात्रा, सभाएं, पत्रकार परिषद, मीटिंगें, जनता से संपर्क, ये सब करने के बाद, सारा विचार जानने के बाद देश भर से कलेक्शन करके उन्होंने मैनिफेस्टो तैयार किया। और जो मैनिफेस्टो तैयार है वो बिल्कुल जनता और भारत के हित में है और उसी में जो है इस देश की तरक्की है, और उसी मैनिफेस्टो को लेकर आज मोदी जी के पेट में दर्द हो रहा है, योगी जी के पेट में दर्द हो रहा है, सिर्फ इसी कारण कि इतना बढ़िया सोच राहुल गांधी की जो देश के हित में है वो और कोई सोच नहीं सकता। सर, जिस तरह से घोषणा पत्र में तो ये नहीं लिखा है कि मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन वहीं पर यह देखा जाए कि महाराष्ट्र में 48 सीट्स है, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। देखिए, घोषणा पत्र में कोई जात बिरादरी का अलग से या किसी चीज़ के लिए नहीं तय होता, वो सामाजिक मुद्दे जो देश को अंदर से तय होता नहीं है। नहीं, अंदर वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो इंडिया एलाई के तहत लड़ रहे हैं और भी हमारे तीन दल हैं, उनसे चर्चा करने के बाद लड़ते हैं। लेकिन ये बिल्कुल हमें भी उम्मीद थी और देश में मतलब महाराष्ट्र के लोगों को भी उम्मीद है कि हमेशा से कांग्रेस की अपनी एक परंपरा रही है कि कांग्रेस सब जात और धर्म के लोगों को लेकर चुनाव में जाती है, टिकट देती है, हमेशा देती रही है। अब क्या कारण हो सकता है और कि इस बार महाराष्ट्र में अभी तक जो है एक जो मुस्लिम कैंडिडेट होता था उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन अभी क्या चर्चा होगी निकलेगी, जिस तरह से बातें हो रही है उस पर लीडर्स सभी जो हमारे सीनियर्स हैं उस पर नज़र रखे हुए हैं और आगे जो क्या बात होती है उस पर कुछ। यहाँ लोगों का कहना है कि कांग्रेस को मुस्लिम वोट तो चाहिए, कैंडिडेट नहीं चाहिए। जिस तरह से महायुति के अंदर एक भी कैंडिडेट मुस्लिम नहीं है, तो कांग्रेस में के अलायंस में भी क्या फ़र्क पड़ता है कि 48 सीटें महाराष्ट्र में है और एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है? नहीं, अभी ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी देखिए राज्यसभा का चुनाव हुआ तो इमरान प्रताप गढ़ी को टिकट दिए ही ना, उनको बनाया MP, हालांकि उससे बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पूरी होती है। और फिर 4-3 महीने के बाद राज्य में विधानसभा का चुनाव है, राज्य विधानसभा में हो सकता है ज़्यादा लोगों को कोऑपरेट करें, क्योंकि उसमें हमारे पास सीटें भी ज़्यादा होंगी, क्योंकि अभी इस बंटवारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि 48 में से हमें 48 तो नहीं मिली है, हमें तो 17 सीटें मिली हैं, अब उसमें से लोगों को देना है। लेकिन नाराज़गी तो है और लोगों की चर्चा भी है और उस पर बात भी करनी चाहिए। लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी, लोग ये कहते हैं कि मायोरिटी अगर वोट दे तो किसको दे, असमंजस में पड़ी हुई है। नहीं, अब ऐसा तो नहीं है कि पूरे देश की माइनॉरिटी जो है सिर्फ एक सीट की वजह से कोई मिलता है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम्स को दिया है, बंगाल में दिया है। सर, यहाँ तो महाराष्ट्र की बात हो रही है, महाराष्ट्र के अंदर हम है तो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का चुनाव है तो पूरे देश का चुनाव है, राज्य का, स्टेट का चुनाव नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, और ये परंपरा कांग्रेस की रही है कि माइनॉरिटीज़ को अच्छी सीटें मिलती रही हैं। पहली बार ऐसा क्या बातें हो गई है कि जिसकी वजह से वायनाटी को टिकट नहीं मिला,
या अभी आगे भी अभी भी चांसेस हैं कि कुछ भी निर्णय बदल सकता है या आ सकता है, जो भी है, लेकिन ये कि पार्टी की जो लीडरशिप तय करती है तो उसे तो मान्य करना होगा और काम करना होगा। सर, इंडिया अलायंस हो कि या कांग्रेस हो या इंडिया अलायंस की जो भी पार्टी है, वो जाति जनगणना की बात करती हैं, जिसकी इतनी आबादी उसकी उससे हिस्सेदारी भागीदारी की बात करती है, तो लोगों का कहना है कि तो बीजेपी का जो 15 लाख सबके अकाउंट में जो था उन्होंने कह दिया, चुनावी जुमला था, उनके वादे खोखले, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि इंडिया अलायंस के भी जो वादे वो भी कहीं ना कहीं खोखले हैं। नहीं, कभी भी वादे खोखले नहीं होते। कांग्रेस की एक तारीख हिस्ट्री रही है, कांग्रेस ने अगर जो कहा है वो करते हैं। अब ये चूंकि पार्टी का इंटरनल इशू है और ये लीडरशिप का इशू है, और सरकार बनने के बाद सरकार के मुद्दे सरकार के साथ जुड़े रहते हैं, तो वो मुद्दे और पार्टी के मुद्दे दोनों अलग अलग हैं। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि सरकार का कोई वादा है, क्योंकि अभी हम सरकार में नहीं हैं 10 साल से, तो हमने ऐसे कोई वादे सरकार के नहीं किए कि हमारी सरकार में कोई वादा हुआ हो मनमोहन के और वो नहीं पूरा हुआ हो, तब तो आप सवाल कर सकते हैं। लेकिन अभी जब सरकार बनेगी और जिस तरह की उम्मीद है, जिस तरह का चुनाव का ट्रेंड है, उसे लगता है कि इस बार इंडिया की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जिस तरह का उत्साह जनता में और जिस तरह का उत्साह देश में वोटरों के बीच है, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार इंडिया की सरकार बनेगी। दूसरी चीज़ ये कि विपक्षी नेताओं की बौखलाहट और बेहुदा बातें, जिस तरह की चीज़ें आज देश के पंत प्रधान कर रहे हैं, जिस तरह से उनके राज्य के मुख्यमंत्री कर रहे हैं या उनके कुछ नेता कर रहे हैं, तो उससे लगता है कि वो बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं, इसलिए उनको अब विश्वास नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ मुंबई कांग्रेस प्रवक्ता निज़ामुद्दीन राइन थे, हालाँकि ये मुस्लिम के मुद्दे से बचते हुए नज़र आए हैं, लेकिन इनका कहना है कि जो है कि इंडिया अलायंस की जो है कि सरकार आ रही है। कैमरामैन हुसैन के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी, मुंबई से।